हेलो फ्रेंड, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी की। जी हाँ, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपको बताने जा रहे हैं देहेंद्र शास्त्री जी के बारे में। इनको तो आप अच्छे से जानते हो, टीवी के माध्यम से आप अच्छे से जानते हो, टीवी पे भी छा हुए हैं, यूट्यूब पे, मोबाइल पे भी बहुत छा हुए हैं। ये कि कथा ही ऐसी करते हैं, कथा भी बहुत अद्भुत है इनकी। और अब पहले चलिए इनके रूप पे, ये देखिए कैसा आज जोबन का रूप धारण कर रखा है। बालाजी की जोबन बन चुके हैं आज के। आज इनके चश्मा देखो कितना क्यूट लग रहा है। इन्होंने मस्तक पर चंदन है और आंखों पर चश्मा है, दुपट्टा भी ओढ़ रखा है और गले में तुलसा जी की कंठ धारण कर रखी है जो कि बालाजी की है। और देखिए कैसे संदीप भी मस्त मगन हो गए हैं और चुन्नी ओढ़ के प्रवचन सुना रहे हैं। कितना आनंद आता है, ये खुद भी कॉमेडी करते हैं और पब्लिक को भी बहुत हंसाते हैं। और ये रहने वाले गड़ा गांव के हैं जहाँ लगाते हैं दिव्य दरबार बागेश्वर धाम में, जो लाखों लोग दुख लेके आते हैं और दुख का समाधान होता है, अर्जी बन जाती है। तो टाइम भी लगता है अर्जी स्वीकार करने में, वो तो बालाजी के ऊपर है कब स्वीकार कर लें अर्जी, वो तो कुछ नहीं पता, लेकिन 100% पूरा दुख कट जाता है बागेश्वर धाम से। जी हाँ, जो प्रेत बाधा जो भी जैसा भी रोगी दुख होता है सब कट जाता है। इनका स्वभाव इतना सुंदर है, ये भी खुद सुंदर है और कितनी क्यूट लगती है इनके चेहरे पर स्माइली, जो जब ये गॉगल्स लगा के अपने आए हैं। देखो पीला पटका है और मैरून कलर के वस्त्र धारण कर रखे हैं और पैर में भी पादुका लकड़ी के पहनते हैं जैसे श्री साक्षात बजरंगबली पहनते हैं। और राम के दीवाने, हनुमान के दीवाने, बिल्कुल कोई कह नहीं सकता ये वैसे हैं, हनुमान जी की कोई छवि देखता है इनके अंदर। और बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्वाभाविक है। और स्वभाव में इनका ये भी है, ये जिनके माता पिता नहीं होते उनका विवाह भी कराते हैं, कन्याओं का पूरे पिता की फर्ज निभाते हैं, दहेज से लेके गाड़ी भी देते हैं, मोटरसाइकिल, जो शिवरात्रि के आसपास में करने वाले हैं। और दूसरा स्वभाव है, ये संतों की सेवा भी करते हैं और अन्य क्षेत्र भी चलता है, जो सुबह से शाम तक लाखों लोग उनका अन्य क्षेत्र ग्रहण करते हैं प्रसाद को। और कोई भी भूखा नहीं रह पाता, लेकिन भीड़ के कारण थोड़े से भूखे रहते हैं। ये बहुत ही अच्छे स्वभाव है इनका। और जो दुखी बहुत बहते हो, मतलब जिसकी अर्जी स्वीकार नहीं होती तो ये वीडियो के माध्यम से उनको बता देते हैं। और इनका स्वभाव में और बता चलें कि बहुत ही अच्छा है, इनकी बालाजी की बहुत कृपा है और भगवान करे ऐसी ही कृपा बनी रहे। जिसके साथ बजरंग बली हो उन्हें कौन भले ही वो कर सकता है। और ये बहुत ही अच्छा लगता है, सबको प्यारे लगते हैं और इनके भी बहुत प्रेम करते हैं, जो भी अपने परिवार फैमिली अपने फ्रेंड से एक फैमिली मानते हैं, जितने भी लाइक या फॉलोवर्स जो भी यूट्यूब के माध्यम में हैं। और पता चला कि इनकी कथा सुनने बहुत बहुत दूर से आते हैं, बॉलीवुड तक के मिलते हैं और लेकिन किसी को दर्शन, किसी को मिस से मुलाकात हो पाती है नहीं हो पाती है ये तो नहीं पता, लेकिन भीड़ इतनी करोड़ों होती है, सुनामी की सुनामी आती है इनकी कथा सुनने। और इनकी कथा बहुत ही अद्भुत होती है। और हम एक बात और बता चलें, इनकी कथा हमेशा कथा के लिए टाइम निकालना चाहिए। उनके कभी भी आपके क्षेत्र में आसपास में हो तो सारे कामों को विराम लगा के राम के लिए टाइम निकालना बहुत आवश्यक होता है। उन्हीं का टाइम उन्हीं के लिए ना निकाल पाए तो ये जीवन बहुत बेकार है। ये धन तो कमाते हैं, इस धन के पीछे दुनिया पड़ी है, लेकिन राम नाम धन कमाना भी बहुत आवश्यक है। यही महाराज जी समझाते हैं कि राम नाम बहुत ही, जो राम नाम लेता है वो हर बाधाएं से निमुक्त हो जाता है। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।